जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेवन क्लास. स्टूडेंट टॉपिक इज सिलेंडर. वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द शेप ऑफ सिलेंडर्स इन अवर एवरीडे लाइफ. टिन पैक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला, स्प्राइट, एनीथिंग एल्स, पाइनएप्पल स्लाइस जार, ठीक है. इस तरह और भी बहुत से फ्रूट्स के स्लाइस जार्स आते हैं. घी टिन्स, ऑयल ड्रम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉड्स, जिसमें सबसे पहले आपकी गम स्टिक, वो जो ग्लू स्टिक की रॉड है वो एक बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल है सिलेंडर की. इसी तरह पाइप्स जो हमारे घर में यूज होते हैं सीवरेज में, वो तमाम पाइप्स जो से हैं वो भी सिलेंडर की एग्जांपल्स हैं, आर द एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर्स. यहाँ पर जो सिलेंडर की एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर हो रही है वो है स्ट्रॉबेरी जैम. स्ट्रॉबेरी जैम का जो जार है वो एक सिलेंडर है, और अगर आप उसको देखें तो वो नीचे से भी एक सर्कुलर शेप होगी और उसका जो ऊपर का जो वो है टॉप है, उसका जो ढक्कन है वो भी क्या है, सर्कुलर शेप होगी. तो एक सिलेंडर के अंदर दो सर्कुलर शेप्स होती हैं, ठीक है. एक सरफेस के साथ होती है और एक टॉप पे होती है, और सेंटर में उसका जो सेंट्रल पार्ट है अगर उसको साइड से सेंटर में से कट करके उसको हम सेपरेट कर दें तो वो एक रेक्टेंगल की शेप ले लेगा. मैंने आपको कल भी लेक्चर में कहा था कि आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख लें, या आप किसी पेपर का एक सिलेंडर, एक पेपर को रोल करें उसकी एक सिलेंडर शेप बन जाएगी. जब आप उसे सेंटर से बेटा कट करके ओपन करेंगे ना तो वो एक रेक्टेंगुलर शेप दे रही होगी. इसका मतलब सिलेंडर के अंदर जो है वो एक रेक्टेंगल भी कहीं ना कहीं है. अगर हम उसको कट नहीं करते सेंटर से तो हमें सर्कमफेरेंस मिल सकती है, वहां से बाउंड्री लाइन मिल सकती है, ठीक है. और इसके अलावा हमें दो सर्कुलर शेप्स मिलती हैं जिनका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. हमें टॉप टॉप सरफेस का एरिया फाइंड आउट नहीं करना, हमें बॉटम सरफेस पे जो एरिया है जो वो सिलेंडर कवर कर रहा है, यानी कि जब आप इस जैम बॉटल को किसी टेबल पे रखते हो तो ये उस टेबल पे कितनी स्पेस लेगी, उस सरफेस एरिया को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो ये हमारा आज का टॉपिक है. इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, सेल भी आपके सामने हैं. इसके अलावा हमारा टी कप जो होता है जिसमें हम चाय पीते हैं, हमारी गम स्टिक, ग्लू गन की स्टिक, हमारे पाइप्स और चिप्स जार्स, ये सब कुछ जो है ये हमारी सिलेंडर की एग्जांपल्स हैं. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं. काइंडली आप सबको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, एग्जैक्ट लर्न होना चाहिए. एग्जैक्ट लर्निंग क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr(h+r). तो कल भी मैंने आपको इसका सोल्यूशन बताया था, मैं रिपीट में आपको दोबारा बताऊंगी कि हमें पहले h+r को सॉल्व करना है. यानी कि जब भी हमें ब्रैकेट आती है तो हम सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. जो आंसर आएगा ना वो बाहर r से मल्टीप्लाई होगा. ये पॉइंट आप सबको समझ जाना चाहिए कि आपने उसको जाके पहली पाई से मल्टीप्लाई नहीं करना या टू से मल्टीप्लाई नहीं करना. एच प्लस आर को जब सॉल्व करेंगे यानी कि इनकी वैल्यूज को जब प्लस करेंगे तो एक आंसर आएगा. जो आंसर है उसने रेडियस की वैल्यू आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है, और फिर उस वैल्यू ने पाई से और पाई ने टू से मल्टीप्लाई होना है. उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपने समझ लिया होगा. रेडियस आर से डिनोट करते हैं, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, हाइट को एच से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर एक वैल्यू है पाई. जो पाई है ना बच्चों, वो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू जो है वो 22/7 है, और जो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 3.14 है. आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है मैथमेटिकल वैल्यू में, पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड इज अप्रोक्सीमेट इक्वल. अप्रोक्सीमेट इक्वल तकरीबन इक्वल को कहते हैं, एग्जैक्ट इक्वल को नहीं कहते. तो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3.14, क्योंकि ये एक राउंड ऑफ वैल्यू है. आज हम आप असाइनमेंट नंबर 1 शेयर कर रहे हैं. आपके होमवर्क पैक में जो है असाइनमेंट आपको ये गिवन है, आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है. एक मिनट ठहरे
जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. इन दिस क्वेश्चन वी मस्ट ड्रॉ सिलेंडर ऑन योर नोटबुक्स एंड इन योर पेपर्स ऑल्सो, इन योर टेस्ट ऑल्सो बाय यूजिंग पॉइंटर. हमें एक पॉइंटर की हेल्प से सिलेंडर की शेप को ड्रॉ करना ही है, उसके अंदर डायमीटर को भी शो करना है और हमने हाइट को भी शो करना है. अब डायमीटर लिखा है, डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं और हमारे इस क्वेश्चन में डायमीटर की वैल्यू क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर. जो डायग्राम स्क्रीन पे गिवन है वो देख लो, या फिर अपने जो आपका क्वेश्चन नंबर वन है, पार्ट नंबर वन है उसका, उसमें जाके देखो डायमीटर किसके इक्वल है, 2 सेंटीमीटर. लिखो 2 सेंटीमीटर. हाइट डिनोटेड बाय एच, 6 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है. टू थिंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है. थर्ड थिंग पाई, हमें उसकी वैल्यू आती है 22/7. इसका मतलब हमारे फॉर्मूला में जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी उसमें से सिर्फ हमारे पास रेडियस नहीं है, डायमीटर है, रेडियस नहीं है. ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायमीटर आया है और हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए. तो बेटा रेडियस का बड़ा आसान फॉर्मूला हमने बहुत स्टार्ट में जब हम सर्कमफ्रेंस पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू डी ओवर टू. ये फॉर्मूला है और ये आप गिवन में ऊपर जहां गिवन कर रहे हो ना सोल्यूशन से पहले, वहां पर ही आप इसको सॉल्व कर लोगे. रेडियस डिनोटेड बाय आर इज इक्वल टू डी ओवर टू. डी ओवर टू हमारा प्रीवियस साइड से फॉर्मूला आया है जो हमने सर्कमफ्रेंस की उस टॉपिक में सीखा था. या रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर. डी ओवर टू, डी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2 सेंटीमीटर, और उसको 2 से ही डिवाइड करना है, तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो गया तो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर. अच्छा, इसके बाद आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखें और हैंड रेस कर दें. हाँ जी, आ रहा है, पहले चला गया था. ठीक, हाँ जी, आ रहा है नेट जी. डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड. यहाँ तक साथ थे, हैंड डाउन करेंगे और इससे आगे चलेंगे. आपने फॉर्मूला लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh+R. इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, हमें डायमीटर गिवन था, हमने आर खुद फाइंड आउट किया है फॉर्मूला लगा के, डी ओवर टू का फॉर्मूला लगा के हमने आर खुद फाइंड आउट किया, वो आया था 1 सेंटीमीटर. अब वैल्यूज कोट करना इज नॉट हार्ड, वैल्यूज को कोट करना हार्ड नहीं है. आपने क्या करना है, 2 as it is. ठीक है, 2 और π में रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा. पाई वैल्यू क्या है, 22/7. पाई की वैल्यू क्या है, 22/7. मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर. ये हमने खुद फाइंड आउट की थी. 2 के नीचे 2 लिखो, पाई के नीचे लिखो 22/7, आर की जगह पे लिखो 1 सेंटीमीटर, ब्रैकेट लगाओ. एच हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर. एच कहाँ से आया है, क्वेश्चन में गिवन है. डायग्राम में देखो, हाइट को एच से डिनोट करते हैं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और 6 सेंटीमीटर, तो वो हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 6 सेंटीमीटर प्लस आर. आर की जितनी भी वैल्यू होगी, यहाँ पर हमारे पास आर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो आपने 1 सेंटीमीटर लिख दिया. इसको कहते हैं वैल्यूज कोट करना इन फॉर्मूला. हमने अपने फॉर्मूलाज में तमाम वैल्यूज को कोट कर दिया. यहाँ तक करने के बाद अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ आएंगे. सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना है. जब भी हमें ब्रैकेट गिवन होगी, हम सबसे पहले अपनी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है. 6 और 1 7. 6 + 1 कितने हो गए, 7, और सेंटीमीटर एज इट इज. अब ब्रैकेट के अंदर आपने 7 सेंटीमीटर लिखा, 2 as it is आया, 22/7 एज इट इज आया, 1 सेंटीमीटर एज इट इज आया. अभी जो हमने जो काम किया है बेटा, वो हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है. बाकी तमाम वैल्यूज एज इट इज कॉपी डाउन होंगी और हम सिर्फ ब्रैकेट की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, जो के हैं 7 सेंटीमीटर आंसर आया है. अब ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब कि 7 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो रहा है. 22/7 से नहीं अभी मल्टीप्लाई हो रहा, वो बिल्कुल अपनी जो क्लोजेस्ट वैल्यू है, फर्स्ट
आफ्टर ओपन ब्रैकेट जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास उसके साथ उसने मल्टीप्लाई होना है। पहले जो ब्रैकेट आया है आंसर, आपने उसको बिल्कुल जो बाहर आर की वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सेवन वन आर सेवन, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर बेस इज सेम पावर्स एड, तो हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने के प्लस 0.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर शो कर रहे हो ना, तो आपका अगर आपने शो नहीं किया, 0.5 की डिडक्शन पे जाओगे अपने क्वेश्चन में। ये कुछ रूल्स होते हैं इन क्वेश्चंस को की चेकिंग मार्किंग के, जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं बेटे। यहाँ पर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने के 0.5 मार्क्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आपने जरूर शो करना है। अब स्क्वायर कैसे आया है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस इज सेम पावर्स एड, तो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, न्यूमिरेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमिरेटर्स एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता तो हम मल्टीप्लाई करते, अब तो डिनोमिनेटर में ओनली सेवन, तो उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो न्यूमिरेटर वैल्यूज हैं, यानी कि आप अपने कैलकुलेटर पे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास आंसर आएगा 308 और सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज। आप 308 लिखो कैलकुलेटर पे और डिवाइडेड बाय 7। मैंने आपके ना पेपर चेक किए थे और 44 बेटे हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने आपके पेपर चेक किए थे, उसमें कुछ स्टूडेंट्स शायद डर रहे हैं कैलकुलेटर से, तो बेटे आपको अब आप एक अच्छी सीनियर क्लास में आ गए हैं, अब आपको जहां पर हम जरूरी समझेंगे ना वहां पर हम आपको कैलकुलेटर अलाउ करेंगे, ठीक है। तो इनके कैलकुलेटेड आंसर्स ही आपने लिखने हैं, इसके अंदर आपने साइड पे जो रफ वर्क है वो नहीं करना, आपने कैलकुलेटर से ही इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमारा ए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट हो गया। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, और अब मैं आपको पार्ट नंबर 2-4 करवाऊंगी। पार्ट नंबर 4 इसलिए करवा रही हूँ आज क्योंकि ये दोनों ही सेम मेथड के क्वेश्चन हैं, दोनों के अंदर हमें डायमीटर गिवन है। अब पार्ट नंबर 4 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, और इसके अंदर सेम वही स्टेप्स करने हैं जो कि हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज काइंडली इसको सॉल्व करें, बल्कि बार बार सॉल्व करें, और इनकी कैलकुलेशन में आपने कोई भी स्टेप को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि काउंटेड मार्क्स होते हैं और वो आपको लेने ही लेने हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने जो सीखा वो डायमीटर के साथ था, हमें डायमीटर गिवन हो तो हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए हमें फार्मूला कैसे अप्लाई करना है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। Thank you so much all of you.